नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं साप्ताहिक भविष्यफल, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका आने वाला सप्ताह कैसे बीतेगा। प्रतिदिन सुबह हम आपको दैनिक राशिफल की जानकारी देते हैं और अब इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे सप्ताह की जानकारी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपका इस सप्ताह का शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह। मेष, पेशेवर मोर्चे पर एक गलत निर्णय महंगा पड़ सकता है, सावधान रहे। घरेलू मोर्चे पर किसी पार्टी में आपकी अनुपस्थिति आपके रिश्तेदार या दोस्त नजरअंदाज कर सकते हैं। आपके रिश्ते की दरार लोगों को नजर आ सकती है। रात को गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखना हितकर होगा। स्वास्थ्य संतोषजनक बना रहेगा। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 7 है, जबकि शुभ रंग है गहरा पीला। वृषभ, पेशेवर मोर्चे पर आप किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे जो नजर आ सकता है। जो नया काम आपने शुरू किया है वो आपकी उम्मीद से ज्यादा कठिन साबित होने वाला है। शैक्षणिक मोर्चे पर जो कठिनाई आ रही है उसे दूर करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति को लेकर कोई तनाव लेने से बचे। घर में किसी छोटे से आपको चुनौती मिल सकती है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 18 है, जबकि शुभ रंग है लाल। मिथुन, किसी शुभ अवसर की तैयारी जोरों पर रहने की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर अंतिम समय की तैयारी प्रतियोगिता में महंगी साबित हो सकती है। सामाजिक मोर्चे पर आपकी लोकप्रियता को किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से झटका लग सकता है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहे। संपत्ति विवाद खुलकर सामने आ सकता है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 22 है, जबकि शुभ रंग है गहरा स्लेटी। किसी के व्यक्तिगत मूल्यांकन से आपको दुख पहुंच सकता है। पेशेवर मोर्चे पर अच्छी योजना आपका काम आसान बना सकती है। नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों के सितारे बुलंदी पर है। व्यापार के लिए हुई बैठक सकारात्मक रहेगी। शैक्षणिक मोर्चे पर किसी की मदद ले सकते हैं। प्रेमी जोड़े के लिए समय बहुत खूबसूरत रहने वाला है। आपका शुभ अंक 15 है, जबकि शुभ रंग है हरा। सिंह, कार्यस्थल पर आपको किसी काम को बीच में ही छोड़कर किसी अन्य काम को तत्काल करना पड़ सकता है। आप किसी समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से आपकी कमी महसूस की जा सकती है। रोमांटिक मोर्चे पर प्रेमी आप पर संदेह करना छोड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए संपत्ति विवाद टालना असंभव हो सकता है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 5 है, जबकि शुभ रंग है हल्का हरा। कन्या, जिनसे आप सालों से नहीं मिल पाए हैं, उनकी यादों के समंदर में खोए रह सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर आपकी मदद करने के लिए कोई अपने रास्ते से बाहर जा सकता है। शैक्षणिक मोर्चे पर स्थिति आपके पक्ष में रहने की संभावना है। पैसे की आमद बढ़ने से वित्तीय चिंताएं दूर होने की संभावना है। सामाजिक मोर्चे पर व्यस्तता भरा समय रह सकता है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 4 है, जबकि शुभ रंग है गहरा पीला। तुला, व्यावसायिक उद्यम की सफलता के संकेत है। शैक्षणिक मोर्चे पर एक अच्छा प्रस्ताव मिलने की संभावना है। आर्थिक रूप से कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्थिति आपके पक्ष में लौट आएगी। दोस्तों के साथ का आनंद लेने की पूरी संभावना है। जिन लोगों को सामाजिकता से प्यार है उनकी शाम रोमांचक गुजरने की संभावना है। आपका शुभ अंक 6 है, जबकि शुभ रंग है भूरा। वृश्चिक, आपके ऊपर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादल छट सकते हैं। कार्यस्थल पर कोई प्रतिद्वंदी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। आपको किसी सामाजिक काम के लिए बुलावा मिल सकता है जो बहुत ही मजेदार साबित होने वाला है। एक पुरानी ज्वाला आपके जीवन में फिर से प्रवेश करने की संभावना है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 8 है, जबकि शुभ रंग है पीला। धनु, किसी संबंध को लेकर आपके मन में द्वंद चल सकता है। शैक्षणिक मोर्चे पर प्रदर्शन का दबाव हो सकता है। कार्यस्थल पर किसी खराब परिस्थिति को अपने प्रयास से समय पर त्वरित कार्रवाई कर संभाल सकते हैं। किसी को पैसा उधार देने के लिहाज से उचित समय नहीं है। यदि आप किसी सामाजिक समारोह में जाने की मनोदशा में नहीं है तो पहले ही निर्णय लेकर सूचित कर दे। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 11 है, जबकि शुभ रंग है चॉकलेटी। मकर,
रोमांटिक मोर्चे पर आप किसी ऐसे शख्स की तरफ तेजी से आकर्षित हो सकते हैं जो पहले ही आपको लेकर उत्तेजित है। पुराने निवेश की वजह से आपको वित्तीय मोर्चे पर निश्चिंतता रहेगी। आपकी क्षमता और आपकी काबिलियत किसी नौकरी के संदर्भ में बेकार साबित हो सकती है। सामाजिक मोर्चे पर मिली कामयाबी को बरकरार रखने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आपका शुभ अंक 9 है। शुभ रंग है गहरा पीला। कुंभ, आप में से कुछ लोग कहीं जरूरत से ज्यादा लिप्त रह सकते हैं। संपत्ति के मामले में अनुरूप उपाय निकालने में सक्षम होंगे। आपको अपने पुराने स्कूल और कॉलेज के मित्रों के साथ समय व्यतीत करके अतीत की अच्छी यादें मिल सकती हैं। किसी पर व्यय खर्च करने से पहले अपनी पॉकेट पर ध्यान दें। आपका शुभ अंक 15 है जबकि शुभ रंग है चॉकलेटी। मीन, मनोरंजन के लिए यात्रा करने वालों को जीवन के बेहतरीन पल का अनुभव हो सकता है। कुछ लोग नई संपत्ति खरीद सकते हैं। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। प्रेम संबंध में ठुकराए जाने की संभावना है। कार्यस्थल पर अशांति का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े बहुत पैसे के लिए किसी योजना को खराब न होने दें। आपका शुभ अंक 2 है जबकि शुभ रंग है सफेद। तो ये था आपका साप्ताहिक भविष्यफल। आपका ये सप्ताह कैसे बीतेगा ये अधिक विस्तार पूर्वक जानने के लिए बस आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट webdunia.com पर या नीचे दिए गए लिंक पर विजिट करें, जहां भविष्यफल के साथ ही आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो इसके लिए कल्याणकारी उपाय भी बताए गए हैं। इसी तरह रोजाना सुबह अपना दैनिक भविष्यफल जानने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।